नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या क्या देखना है, या चूंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको हम तीन या चार पार्ट में करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ेंगे और प्राथमिक परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, नए मित्र हैं, तो कृपया हमारे चैनल इल्विन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए प्रारंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर मतलब केंद्र, राज्य मतलब स्टेट, संबंध मतलब रिलेशन। केंद्र राज्य संबंध भारत में संघवाद के मूल का गठन करते हैं और वे संविधान के प्रावधानों द्वारा विनियमित होते हैं। क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध क्या है? संघवाद के मूल का गठन करते हैं, मतलब केंद्र राज्य का संबंध संघवाद के मूल का गठन है और वे संविधान के प्रावधानों द्वारा विनियमित होते हैं। भारतीय संविधान का भाग 11 स्पर्श पर केंद्र राज्य संबंधों को संबोधित करता है। पूछता कि केंद्र राज्य संबंध किस पार्ट में है, तो भाग 11 पार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब भारत में केंद्र व राज्यों के संबंधों का आधार 1935 का भारत शासन अधिनियम है। हम जानते ही हैं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें से 2/3 भाग हमारे संविधान में एज इट इज ले लिया गया है। तो वही बात कर रहा है कि भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों का आधार क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें तीन सूचियां, अभी भी तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया जाता था। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर के पास थी, जो अवशिष्ट शक्तियों पर अब कानून बनाने की शक्ति हमारे केंद्र के पास है। अब हमारे भी संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट सिस्टम है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है। उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, संघ सूची जिस पर कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार की थी, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास थी, और समवर्ती सूची जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य और संघ दोनों की थी। विवाद की स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाए गए नियम इस पर लागू होते हैं। आज भी यही स्थिति है, अवशिष्ट शक्ति उस समय गवर्नर के पास थी और आज हमारे केंद्र के पास है। आइए इसके आगे देखते हैं। अच्छा है, वह मेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके जो अनुच्छेद 245 है वो क्या कर रहा है कि जो हमारी संसद है वो विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद मिलाने को आता है कि अनुच्छेद 245, 246, 247, 248 बेतरतीब दे दिया रहेगा, कालम ए से कालम बी को मिलाना रहेगा। तो वही हमारा करता है 245 क्या है कि संसद को, ये हमारे भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी विधि का निर्माण कर सके, विधि का निर्माण जिसे सामान्यतः क्षेत्रातीत शक्ति कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स को किसमें डिफाइन किया गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 245 में। अब अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण संसद द्वारा, राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण राज्य द्वारा, तथा समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण संघ व राज्य सरकारें कर सकती है। विवाद की स्थिति में संघ द्वारा बनाई गई विधि लागू होगी। 245 क्या कहता है कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए विधि का निर्माण करे। अनुच्छेद 246 वही यह कहता है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति संघ के पास अर्थात केंद्र के पास, राज्य सूची के विषयों पर राज्य के पास, समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों के पास। विवाद की स्थिति में संघ द्वारा बनाई गई विधि लागू होगी, राज्य द्वारा बनाई गई विधि लागू नहीं होगी। अब केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। एक, विधायी संबंध हमारे क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, और वित्तीय संबंध क्या है। विधायी संबंध मतलब केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध कौन कौन से हैं, प्रशासनिक संबंध क्या क्या है, और वित्तीय संबंध क्या क्या है। आइए बारी बारी से बात करते हैं। संविधान के
भाग 11 में देखिए, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। पूछता है कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है, इसके अलावा भी कुछ और अनुच्छेद है 245 से 255 के अलावा भी कुछ अन्य अनुच्छेद हैं। अब केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में चार स्थितियां हैं। पहली स्थिति, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। यह चार प्रकार की चीजें हैं, इन चारों को बारी बारी से देखते हैं। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, इसमें और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे दिया गया है संविधान में, संविधान कैसे इन चीजों को परिभाषित करता है। कहता है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। विधायी, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध क्या क्या है, इसके बारे में हमारे अनुच्छेद 245 से 255 तक की में बात किया गया है। वही कह रहा है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी अन्य क्षेत्र में, या तो संसद भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक ही कानून बना सकता है, या केवल उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी संसद को कानून बनाने की शक्ति है। यह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त की गई शक्ति है। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जा सकता है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य के लिए या राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनके विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होगा। यह देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का बनाया गया कानून भारत में ही नहीं, भारत की भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, हमारी संपत्ति मान लीजिए कि बर्किंगहम पैलेस के पास है, तो वहां के लिए भी जो कानून लागू होगा उस संपत्ति पर भी यह कानून लागू होगा और लागू नहीं होते हैं। लागू होते हैं कहाँ कहाँ उसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन अगर पूछता है कि संसद के कानून किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति चार केंद्र शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये चार इसलिए काट दिया गया है कि दो क्षेत्र मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश हो गया। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन लागू करे। राष्ट्रपति तो बना सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह उस क्षेत्र में, उस राज्य के उस क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को लागू भी कर सकता है और नहीं भी लागू कर सकता है। आगे, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तन के साथ लागू कर सकता है। असम का जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें राज्यपाल क्या करता है, संसद के किसी विधेयक को प्रयोज्य नहीं कर सकता है, लागू नहीं कर सकता है या कुछ संशोधन करके लागू कर सकता है। असम के लिए राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। यह चार क्षेत्रों की बात हो गई। बंटवारा क्या क्या है, विधायी विषय मतलब वही सूची की बात कर रहा है, लिस्ट सिस्टम की बात कर रहा है। आइए इसको भी देखते हैं कि संविधान ने सातवीं अनुसूची में, संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। कितने तीन चरण है इसके, विधायी विषय,
वही बात कर रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। संघ सूची में इस समय 100 विषय हैं, जब कानून बना था संघ सूची में 100 विषय हैं, प्रेजेंट में जब कानून बना था उस समय 97 विषय थे। संघ सूची में संघ प्रकार जैसे रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेशी मामले, इस प्रकार के विषय जो होते हैं वो संघ सूची में होते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, जब हमारा संविधान बना उस समय संघ सूची में 97 विषय थे। दोनों प्रश्न पूछा जाता है। राज्य सूची में, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 66 विषय थे। आगे अब राज्य सूची में क्या आता है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब राज्य सूची का मामला है। 52 विषय है समवर्ती सूची में, इस समय 52 विषय है, मूलतः संविधान में 47 विषय थे। बात करिए संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52, इतने प्रेजेंट में हैं। जब संविधान बना था उस समय संघ सूची में 97 थे, इसमें 66 थे और इसमें 47 थे। ठीक, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, इस टाइप के विषय जो राज्य को और केंद्र को दोनों को प्रभावित करते हैं, ऐसे विषय वो समवर्ती सूची में है। राज्य का जिस पर नियंत्रण रहता है वो राज्य सूची का विषय होता है और संघ का जिस पर नियंत्रण रहता है वो संघ सूची का विषय होता है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यह बार बार पूछा गया था, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची का हो गया है। वन पहले समवर्ती सूची का था, पहले राज्य सूची का था, अब समवर्ती का हो गया है। नाप एवं तौल, पहले राज्य सूची का था, अब समवर्ती सूची का हो गया है। वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये 5 हैं जो 42वें पूछता है कि वो कौन से 5 विषय थे जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो हम बताएंगे शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, यह 5 विषय हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। अवशिष्ट सूची क्या होती है, वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है, तीनों सूची से तत्पर हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से है, इसको किसमें सम्मिलित किया गया जाता है, अवशिष्ट सूची में। जो अवशिष्ट सूची है वो भारत में कनाडा से ली गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है, अर्थात संसद के पास है, कनाडा में भी केंद्र के पास है और अमेरिका में स्टेट के पास है, ये मिलाने के लिए आता है। अवशिष्ट सूची पर अवशिष्ट जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति अमेरिका में राज्यों के पास है, कनाडा में और भारत में केंद्र के पास है, केंद्र मतलब संसद के पास है। समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून या राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य में प्रभावी होगा, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है, वही अपवाद पूछता है। अपवाद यह है कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे सहमत मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावित होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। कह रहा है कि यदि राज्य द्वारा उस पर कानून बनाया गया है उस विषय पर, समवर्ती विषय पर, और संसद द्वारा भी बनाया गया है, लेकिन राज्य द्वारा जो बनाया गया कानून है वो राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है, तो वहां पे संसद द्वारा बनाया गया कानून नहीं लागू होगा, राज्य द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। अब राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। अब वो असाधारण, सभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। अब राज्यसभा किस प्रकार का प्रस्ताव पारित करेगी कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, आइए देखते हैं। देखिए, यदि राज्यसभा में यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, यदि राज्यसभा यह घोषणा ही कर दे कि राष्ट्र हित में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर क्या बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, विधि बनाना चाहिए,
इस तरह किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में से 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से रोकती है, असहमत के मामले में बाद की व्यवस्था मान्य होगी। बात यहाँ पे समझने वाली है, अगर राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि अमुक विषय पर, अमुक जो विषय जो राज्य सूची का है उस पर कानून बनाना राष्ट्रहित के लिए जरूरी है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा कानून कब पारित होगा, कब माना जाएगा? जब 2/3 बहुमत से ऐसा कानून पास होगा। अब राष्ट्रीय आपातकाल, यदि आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेता है। अगर राज्य में आपातकाल की स्थिति लागू है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अब किसकी हो जाएगी? संसद की हो जाएगी। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि जनवरी में आपातकाल समाप्त हो गया तो अगस्त से क्या जाएगा, फिर स्टेट राज्य सूची के विषय पर क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। और जब तक आपातकाल रहेगा, आपातकाल का समय धन 6 माह, कौन बनाएगा? केंद्र। ठीक। अब राज्यों के अनुरोध की अवस्था में अगली राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव यह पारित करे कि राज्य सूची के मसले पर संसद कानून बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे भारत और उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर संसद से अनुरोध करे कि अमुक राज्य सूची का जो विषय है उस पर आप कानून बना दे, तो राज्य तो संसद ऐसा काम करेगी। लेकिन यह कानून केवल उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इस पर प्रस्ताव पारित किया था। इस तरह के कानून का संशोधन और पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। मान लीजिए कि किसी बात पर यूपी और एमपी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अमुक विषय जो है इस विषय पर केंद्र कानून बनाए, तो केंद्र कानून बना देगा और इन दोनों राज्यों में वह लागू हो जाएगा। यही बात कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय समझौते के संदर्भ को लागू करना, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना, तो संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। इस व्यवस्था के तहत कुछ कानून संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947, जनेवा समझौता 1960 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान है। अब आगे देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान। अब राष्ट्रपति शासन एक विचित्र स्थिति होती है, उस दौरान संसद के पास ही सारी शक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति हो जाती है। तो इसको देखते हैं, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संबंधित राज्य में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। संसद जो कानून बना देगी आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन के स्थिति में वह कानून राष्ट्रपति शासन जैसे खत्म होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल यह चाह रहा है कि वह कानून बढ़िया है, राज्य के हित के लिए है, तो उसे आगे भी वो कंटिन्यू कर सकता है। अब राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित शक्तियां देता है। संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए कौन कौन सी शक्ति देता है, आइए देखते हैं। राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल जानते हैं कि केंद्र का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है, लाया जाता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद
अनुच्छेद 307 वर्ष 1991 में यह स्थिति आई थी कि भारत में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए, लेकिन स्थितियां टल गई और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। लेकिन यह वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश रख सकता है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, बार बार पूछा जाता है। तो सरकारी आयोग 1983 से 1987 ने कहा कि केंद्र की सर्वोच्चता समाप्त की गई, तो इससे नकारात्मक प्रभाव का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह कहा है केंद्र सरकारी आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि केंद्र की सर्वोच्चता चाहिए। अब आगे एक और पावर को पढ़ते हैं, प्रशासनिक संबंध। अभी हमने विधायी संबंधों के बारे में पढ़ा, प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात किया गया है। विधायी संबंध के बारे में बात किया गया था, विधायी संबंध के बारे में अनुच्छेद 245 से 255 याद रखिएगा। जो प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 पूछता है। अब कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत में विस्तृत है। उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त है, संघ सूची के विषय पर, वहां पे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत में विस्तृत होगी। दूसरा, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का अगर कार्य होगा। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है, जहां पर राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय, उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती है, सिवाय तब तक जब तक कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि से अस्पष्टता केंद्र स्पष्ट न करे, तब तक समवर्ती सूची के विषय उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती है। ये रही आज की हमारी केंद्र राज्य संबंधों के विषय में यह कक्षा। विधायी संबंधों के बारे में हमने पढ़ा, प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ा, आगे ऐसे ही। यह चूंकि लंबी कक्षा है तो अभी 2-3 क्लासेज इसमें और होंगे। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? सामान्य अध्ययन की यह कक्षा है। आगामी दिनों में मुख्य परीक्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS की जो परीक्षा है, उसमें मुख्य परीक्षा सितंबर, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसको आप देखें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे इवेंट क्लासेस ऐप पर जाकर PDF निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर PDF आपको PDF का लिंक भी दिया रहता है, और अगर इससे इतर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर आप अपना नाम और जिस क्लास का PDF चाहिए अगर लिख कर मांगते हैं, तो आपको तुरंत अविलंब PDF मुहैया करा दिया जाएगा। अगर आपको ये हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया अपने मित्रों तक शेयर करें। आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।